Hello everyone, welcome to Integration by Parts, lecture number 15. Hope that आपने lecture number 14 देखा होगा जो Integration by Parts पे था. आज का lecture Integration by Parts that is UV rule का continuation lecture है. My dear students, in lecture number 14, Integration by Parts called as product rule UV rule, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था फॉर्मूला याद रखने का फिश आईडी फिश, जो कि टाइप A हमने कवर कर लिया है. Hope that अगर आपने लेक्चर नंबर 14 दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं देखा होगा तो पहले आप लेक्चर नंबर 14 देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स फार्मूला याद रखने का ट्रिक्स, उसके बाद एक शॉर्टकट सिखाया था कि इतने बड़े-बड़े सम अगर एमसीक्यू में आए तो क्या शॉर्टकट यूज करोगे जिससे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ये सारे शॉर्टकट्स, ये सारे ट्रिक्स मैंने लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस किए हैं. लेक्चर नंबर 14 देखने के बाद आप ये लेक्चर नंबर 15 देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको ये लेक्चर इजी जाएगा. आज के लेक्चर में हम लोग टाइप बी और टाइप सी दोनों के दोनों टाइप आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट करेंगे. बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेक्चर नंबर 15. बी रेडी. Welcome back everyone. Type B. In Type B, we are going to study about how to find the integration of logarithmic functions. Kaun sa function? Logarithmic function. Now, see here. Question number 1. Let I is equal to integration of log x with respect to x. My dear students, keep in mind that जब भी आपको केवल log का function देगा, तो आपको क्या करना है? आपको उसे लिखना है log x into 1. याद रखिए, कभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल log x का टर्म है तो यहाँ पे आपको into 1 कर देना है. ये केवल log का फंक्शन है उन log, तो यहाँ पे भी into 1 करना है. इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग स्टेप 1 लेट U लेंगे log x जो कि दिया हुआ है और v always 1 ले लेंगे. v always 1 लेंगे in the logarithmic function. Now after that what is I? I is integration uv dx. ये हमने already lecture number 14 में discuss किया है. Now step 2 में हमें क्या करना है? u का derivative लेना है that is du by dx. What is log x का derivative? 1 upon x. फिर क्या करना है? v का इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to x that is integration. What is v? 1. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा my dear students? x. तो x plus c dash लिखना है. Now step 3. What is I? I is integration uv dx. Okay. Now formula लिखिए. फॉर्मूला कंपलसरी, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स पड़ जाएगा. फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. नाउ व्हाट इज u? जस्ट सब्स्टिट्यूट. u क्या है हमारे डियर स्टूडेंट्स? u है log x, v है 1. तो सब्स्टिट्यूट log x. चलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v? यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया दैट इज x into x माइनस इंटीग्रेशन. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u? दैट इज 1 by x. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v? दैट इज x. दिस x गेट कैंसल, we get x log x minus integration of 1 with respect to x. So we get x log x minus what is the integration of 1? That is x plus c. This is our final answer. Hope that आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा. बच्चों इससे हम कंटिन्यू करेंगे. So देखो हमें क्या मिलता है. आप यहाँ पे आंसर, अपने आंसर को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, बट इफ यू कंटिन्यू दिस तो यू विल गेट, यहाँ पे देखो x कॉमन आ जाएगा तो व्हाट वी विल गेट? log x minus 1 plus c which is equal to x log x. Can I write 1 को log e plus c? Why? Since log e हमेशा 1 होता है, ये याद रखिए। तो 1 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? 1 के प्लेस पे log e लिखा। So we get x bracket log x. What is log a upon b? That is log a upon b. Log a minus log b, which is equal to log a upon b plus c. So the final answer, x into log of x by e plus c. This is the another final answer. आप इसे continue करोगे तो आपको ये भी format मिलेगा. So you will stop either here or if you want, you can continue here. MCQ अगर ये question MCQ में आएगा तो आपका ये भी option हो सकता है और ये भी option हो सकता है. इसके लिए आपको इस सम को end तक याद रखना है. बट अगर यही question theory में आया तो आप अपने answer को यहाँ पे stop कर सकते हो. Hope that आपको ये सम अच्छे से समझा होगा. Let us continue the second sum. Second sum. Let I is equal to integration log of x square plus x dx. Log of x square plus x dx. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन log of x square plus x into 1 कर देंगे. Now step 1. Let u. What is u? Log of x square plus x. What is v? 1. Therefore, what is I? Integration uv with respect to x. Step 2. Step 2. What is step 2? du by dx. u का derivative. What is u का derivative? So log chain rule लगाएंगे हम लोग यहाँ पे. Careful रहिए, ध्यान से देखिए. ये है ना u. तो what is log of x square plus x? Log x का derivative क्या होता है? 1 upon x. तो 1 upon x square plus x into derivative of x square plus x. Let's continue. So what we will get? 1 upon x square plus x into. What is the derivative of x square? 2x. What is the derivative of x? 1. So we get 2x plus 1 upon x square plus x. This is du by dx. Now, also what we are going to calculate? Integration of v. So pehle integration of v nikalo. Integration of v, which is integration of 1 dx. What is integration of 1? That is x plus c dash. Now step 3. Step 3. Now what is step 3? I is equal to integration uv dx. So we are going to write formula. First integral of second minus integration derivative of first integration of second. Substitute. What is u? u क्या है? u है log of x square plus x. तो log of x square plus x into. What is integration of v? That is x minus integration bracket. What is the derivative of u? 2x plus 1 upon x square plus x into. What is the integration of v? That is x with respect to x. चलो आगे स्टार्ट करते हैं. Is equal to x into log of x square plus x minus integration bracket. चलो इसको क्या करेंगे हम लोग? carefully रखो. देखो कैसे करेंगे. 2x plus 1 डिनोमिनेटर में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ. माय डियर स्टूडेंट्स carefully सुनिएगा. डिनोमिनेटर में से x को कॉमन लो. क्या बचेगा अंदर? बोलो. अंदर बचेगा x plus 1 into x with respect to x. Now my dear students, this x get cancelled. So क्या मिलेगा? We get x into log of x square plus x minus integration. क्या बच गया? न्यूमरेटर में बच गया 2x+1, डिनोमिनेटर में बच गया x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ना अभी हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है, कैसे लेंगे चलिए ध्यान से देखते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है फॉर 4 मार्क्स। x इंटू लॉग ऑफ x² + x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में x+1 है वो मैं एज इट इज रखता हूं, न्यूमरेटर में मैं क्या कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स 2x प्लस ये आपको जो 1 दिख रहा है ये 1, कैन आई राइट दिस 1 को +2 - 1 चेक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर और नो सर। यस के लिए वाई टाइप करो, नो के लिए एन। अब देख सकते हैं +2 - 1, 2 में से 1 गया 1, तो मैंने 1 को इस तरह से एडजस्ट किया है। क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स एडजस्ट। लेट्स कंटिन्यू। x इंटू लॉग ऑफ x² + x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट। अब हम लोग क्या करेंगे, आप इसे ब्रैकेट में ले लो, ये इतने पार्ट को ब्रैकेट में ले लो एंड सेपरेट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करो सेपरेट करो, तो डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो 2x + 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस दिस अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x² + x माइनस इंटीग्रेशन, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा सो यू विल गेट x+1 अपॉन x+1 माइनस 1 अपॉन x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x+1 गेट कैंसल सो वी गेट x इंटू लॉग ऑफ x² + x माइनस इंटीग्रेशन 2 - 1 अपॉन x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट x इंटू लॉग ऑफ x² + x माइनस, चलो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस। नाउ ये देखिए ये डिनोमिनेटर में क्या है x+1 का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड x+1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। सो फाइनल आंसर देयरफॉर i इक्वल टू x log ऑफ x² + x ओपन द ब्रैकेट माइनस 2x माइनस माइनस प्लस log mod x+1 plus c। दैट्स ऑल, दिस इज द फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन कॉमर्स मैथ्स में मिसलिनियस में है। ये क्वेश्चन कहाँ पे है कॉमर्स स्टूडेंट के मैथ्स की टेक्स्ट बुक में मिसलिनियस में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम्स फॉर 4 मार्क्स प्रॉब्लम। ओके लेट अस, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको टाइप बी के ये दोनों सम सॉल्व करके दे दिए। लेट अस प्रोसीड टू टाइप सी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। मुझे कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेट अस डिस्कस इन द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेट I is equal to integration x³ into e⁴x²dx। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे e का पावर आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स x² है। सो कैन आई राइट स्क्वायर के टर्म्स में, कैन आई राइट x³ को x² into x, यस x² into x, ये x³ को मैंने ऐसे लिखा into e⁴x²। ओके ना इफ आई टेक x² को t, अगर मैं x² को t पुट कर दूं तो ये e⁴t हो जाएगा ना। सो e⁴t का इंटीग्रेशन e⁴t इजी टू सिंप्लीफाई। तो स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x² को t। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx = dt। तो व्हाट इज x dx, x dx इज dt/2। दिस इज स्टेप नंबर 1। तो आप i में डाल दो। सो व्हाट इज i इज इंटीग्रेशन, देखो x² के प्लेस पे क्या डालना है आपको t, तो x² के प्लेस पे t आ गया। आप देख सकते हो ये x और ये dx, x dx के प्लेस पे क्या लिखना है एक्स डी एक्स के प्लेस पे लिखना है डी टी बाय टू, ओके, इंटू, अब क्या बच गया? अब बच गया ई रेस टू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज ई रेस टू एक्स स्क्वायर? तो ये हो जाएगा ई रेस टू टी। होप दैट आपको सारी चीजें समझी होगी। मैंने जानबूझ के कलर पेन का यूज किया जिससे आपको समझ में आए। चलो, तो ये हो गया आपका आई। सो ये 1/2 कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ना ये 1/2। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन टी इंटू ई रेस टू टी डी टी, दैट इज आई। ना अब चेक करो, व्हाट इज टी? टी इज अल्जेब्रिक फंक्शन एंड व्हाट इज ई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारा ऑर्डर क्या होता है? एल ए ई। तो हमारा ऑर्डर सेटिस्फाई हो गया, ए के बाद ही ई है। नाउ स्टेप टू, व्हाट इज स्टेप टू? लेट यू एंड लेट वी। तो लेट यू, व्हाट इज यू? दैट इज टी। व्हाट इज वी? ई रेस टू टी। तो व्हाट इज डी यू बाय डी टी? हम लोग यहाँ पे ध्यान रखिए विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, क्यों? हमारा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है। व्हाट इज डी यू बाय डी टी? दैट इज 1। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टी? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to t. What is v? v is e raised to t. So integration of e raised to t with respect to t. e raised to t का integration क्या हो जाएगा? e raised to t plus c dash. Now, therefore, what is our i? i is, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये half को आप copy करोगे यहाँ पे, yes? What is i? half integration. What is this? दिस इज u, ये आपका u हो जाएगा, यस। तो हाफ इंटीग्रेशन u v d t। दिस इज स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप 3, दैट इज i इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट। नाउ u v का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है। नाउ देयरफॉर व्हाट इज आई? हाफ ब्रैकेट। चलो व्हाट इज यू? केयरफुली पुट करते जाइए, बहुत इजी सम है, आप ध्यान से करें। व्हाट इज यू? दैट इज टी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वी? हमने इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑलरेडी कैलकुलेट किया, दैट इज ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन। व्हाट इज डी यू बाय डी टी? दैट इज 1। डी यू बाई डी टी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 1। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी? दैट इज ई रेस टू टी ब्रैकेट क्लोज डी टी। सो फाइनली वी गेट हाफ ब्रैकेट टी ई रेस टू टी माइनस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी? अगेन ई रेस टू टी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। सो ओपन द ब्रैकेट, सो फाइनली वी गेट आई इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट, ओपन मत करो, एक काम करो टी को सब्सटीट्यूट कर दो, ऐसे हाफ कॉमन है ना तो रहने दो। व्हाट इज टी? टी क्या था? एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर हाफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस, व्हाट इज ई रेस टू टी? टी इज एक्स स्क्वायर। तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनली हाफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। होप दैट आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आया होगा। तो हमने आपको ये फर्स्ट सम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। I is integration of log x upon x. Now, log x का डेरिवेटिव क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? log x का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप पुट करेंगे log x को t। सो log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। आपको समझा होगा। तो आपका i क्या बन जाएगा? i is integration लॉग एक्स के प्लेस पे टी लिख दो तो ये हो जाएगा टी और आपका 1/x dx हो जाएगा dt। उधर आपको समझ में आया होगा। तो विच इज इक्वल टू p का इंटीग्रेशन क्या होगा c²/2 + c। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नहीं है, ये सम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नहीं है। मैंने जानबूझ के ये सम उठाया, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सम को इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू 1/x dx ऐसे लिख के यूवी रूल लगाते हैं और सम को अननेसेसरी बहुत लेंदी कर देते हैं, बहुत लेंदी। डू यू गेटिंग मी? सो मैंने जानबूझ के ये सम को उठाया है और विदाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ये सम सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सो ये सम अगर एग्जाम में आएगा तो डू नॉट यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ व्हाट इज पी स्क्वायर? पी स्क्वायर का मतलब लॉग एक्स का होल स्क्वायर /2 + c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये सब मेरा लेने का पर्पज ये है कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसा दिखता है बट हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ये सब नहीं सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये सम का सॉल्यूशन हमने आप लोगों के लिए करके रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसे रिफर कर सकते हैं। हम log x को क्या पुट करेंगे? log x को t। तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x dx is dt। तो ये देखो ये 1/x dx हो गया dt। तो आपका सम हो गया log t dt। नाउ ये log t हो गया। तो आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने इसका इंटीग्रेशन करके दिखाया है कि जब भी log t रहेगा तो ये हो गया u, ये हो गया v। और लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पढ़ाया है। ऑन द सेम मैनर, ऑन द सेम पैटर्न आप इसे सॉल्व करोगे एंड फाइनली यू विल गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर i = इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे 90% बच्चे क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 99% बच्चे लॉग एक्स का होल स्क्वायर × 1 करके स्टार्ट करते हैं और इसको u बोलते हैं, इसको v बोलते हैं। इस तरह से भी आप सम को कंटिन्यू कर सकते हो बट ये बहुत लेंदी और डिफिकल्ट हो जाएगा। आई विल टेल यू द सिंपलेस्ट मेथड टू क्रैक दिस सम। हम क्या करेंगे, हम इस सम में लॉग एक्स को t पुट करेंगे। तो पुट लॉग एक्स = t। अब आप बोलोगे सर log x को t डालोगे तो इसका डेरिवेटिव 1/x होगा और यहाँ पे तो 1/x नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। इस सम में आपको क्या करना है, इसका बेस क्या है e, इसका बेस है e। तो हम क्या करेंगे, हम इस लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये e इधर आ जाएगा। सो यू विल गेट x = e⁴ t। There is a formula in logarithms that is a⁴x = b, then we can write x = log b to the base a। ये एक फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स लॉगरिथम में। तो हम लोगों ने अभी जो किया है वो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड इस तरह से हम लोग गए हैं। तो देखो लॉग का बेस में क्या है a, तो a⁴x क्या हो जाएगा b। सिमिलरली यहाँ लॉग के बेस में क्या है e, e⁴t क्या हो जाएगा x। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। सो व्हाट इज x? x इज e⁴t। तो टेक डेरिवेटिव, नाउ टेक द डेरिवेटिव। तो dx = e⁴t dt। नाउ ये आपका हो गया स्टेप 1। इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट i = इंटीग्रेशन लॉग एक्स के प्लेस पे t लिखो, यू विल गेट t² dx के प्लेस पे आप क्या लिखोगे e⁴t dt। नाउ सी हियर व्हाट इज t² दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, व्हाट इज e⁴t दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो LAE के फॉर्मेट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स कंटिन्यू स्टेप 2। In step 2, let u is equal to p square and v is equal to e raised to t. Now, what is du by dt? Du by dt is 2t. And what is integration of v? Integration of v is integration of e raised to t, which is equal to e raised to t plus c dash. Now, step 3. Step 3. What is I? I is integration. Yes. That is uv dt. Okay, with respect to t hai. uv dt. Now, use formula. First integration of second minus integration derivative of first integration of second dt. Now, substitute. What is u? What is u? u is p square. So, p square. What is integration of v? That is e raised to t minus integration. What is the derivative of u? That is 2t. What is integration of v? That is e raised to t dt. Now continue. Which is equal to t square e raised to t minus. ये 2 constant है बाहर ले लो आप. So 2 times integration t e raised to t dt. My dear students, आप देख सकते हैं. Again u into v rule आ गया. This time we will do directly minus 2 bracket. Now, what is the integration का formula? अगर आपको नहीं जमेगा तो आप पहले formula लिखो. That is first integral of second minus integration derivative of first integration of second dt dt. यहाँ पे आपका bracket close. Okay. So now, my dear students, let us call this is u and this is v. And use u into v का formula. So we get t square e raised to t minus 2 times. What is u? u के place पे t integration of v. That is e raised to t dt minus integration bracket में. What is the derivative of u? मतलब derivative of t. Yes, u के place पे t लिखना है. v के place पे e raised to t लिखना है. So t square e raised to t minus 2 times bracket t e raised to t का integration e raised to t integration t का derivative 1 e raised to t का integration e raised to t. So we get t square e raised to t open the bracket minus 2t e raised to t minus minus plus 2 times what is the integration of e raised to t? That is e raised to t plus c, which is equal to t के place पे क्या substitute करेंगे? t के place पे हम लोग substitute करेंगे. क्या t लिया था? देखो question के beginning में log x. तो ध्यान रखिए t के place पे log x लिखेंगे और e raised to t के place पे x लिखेंगे. Okay? तो t के place पे log x. So we get log x का whole square e raised to t के place पे x minus 2 x. What is t? T is log x. So 2 log x e raised to t के place पे x plus 2 e raised to t के place पे x plus c. This is our final answer. So final answer is x log x का whole square minus 2x log x plus 2x plus c. Hope that my dear students, आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा. This is very lengthy sum, but important sum. Very, very important sum. Now, so my dear students, मैंने substitution में भी आपको बहुत सारे sums solve करके दिए हैं. Let us continue the last sum. That is I is equal to integration e raised to root x dx. That is the last sum of the lecture, my dear students. Let us see how to solve this question. Now, what is the power of e? That is root x. Again, this is the substitution sum. So we put root x को t. Root x को t लिया. यहाँ पे derivative मत लो. मैं आपको tricks सिखाता हूँ. Squaring both the side कर लो. तो आप squaring करोगे तो क्या हो जाएगा? X is equal to t square. Now take the derivative. It is very easy. So you will get dx equal to 2t dt. Now, ये आपका step 1 है. Substitute करिए तो you will get I is integration e raised to t. What is dx? dx is 2t dt. या आपका 2 बाहर आ जाएगा. We get integration t e raised to t dt. This is I. Now let u, let v. That is step 2. Step 2. Let u equal to p and v is equal to e raised to t. Now what is the derivative of u? Derivative of u is 1. Integration of v, that is e raised to p plus c dash. Now my dear student, step 3 ke taraf chaliye. Step 3. What is I? That is 2 integration uv dt. So just write the formula. 2 bracket first integral of second minus integral derivative of first integration of second with respect to t. 2. What is u? What is u? U is t. So t. What is integration of v? E raised to t minus integration. What is du by dt? That is 1. What is integration of v? E raised to t dt. Open the bracket. 2t. या ब्रैकेट मत ओपन करिए, आप 2 को बाहर ही रहने दीजिए. 2 times t e raised to t minus what is the integration of e raised to t? That is e raised to t plus c. Now what is t? T is nothing but root x. So t के place पे root x डालो. So we get 2 bracket में root x. Now what is e raised to t? E raised to t is e raised to root x. So e raised to root x minus e raised to root x plus c. E raised to root x common आ जाएगा my dear students. So finally we get 2 times e raised to root x bracket root x minus 1 plus c. This is I. This is the final answer. So my dear students, आज के lecture में हमने type B और type C integration by parts cover किया और आज integration by parts आपका complete हुआ. My dear students, in the next lecture, we are going to solve a special type, which is this type, that is integration e raised to x, f of x का derivative बाजू में होगा, तो answer होता है e raised to x, f of x plus c. This is again a very important type for MCQ and objective purpose and 3 to 4 marks problem. In the next lecture, we are going to solve these type of sums. My dear students, अभी तक, including today lecture, मैंने total 15 parts release कर दिए हैं. अगर आपने ये parts नहीं देखे होंगे, तो my dear students, आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप इंटीग्रेशन के ऑल 15 पार्ट्स को अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हैं. my dear students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वाचिंग. बाय एवरीवन.